10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है इन एपी एपी में दिया हुआ है सारे इसको सॉल्व करना है ठीक है वन बाय वन करते हैं देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है इन एपी में क्या कह रहा है गिवन है क्या ए दिया हुआ है डी दिया हुआ है एन दिया हुआ है और फाइंड करना है एन और एस एन ठीक है दिया हुआ है तो ए एन इजकल टू क्या होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसको सॉल्व करते हैं तो ए एन माइनस ए डिवाइड बाई डी इजकल टू एन माइनस ए वन होता है ठीक है तो ए एन का वैल्यू क्या है 50 है 50 है ठीक है माइनस ए ए का वैल्यू कितना 5 है डी का वैल्यू क्या है 3 है ठीक है एन यही है एन निकालना है ठीक है तो ये हो जाएगा 50 में से 5 का तो 45 बटे 3 एन माइनस 1 ये हो जाएगा 15 पंद्रह दिया 45 एन माइनस 1 इजकल टू 15 हो गया तो एन इजकल टू 15 प्लस 1 एन इजकल टू 16 एन निकल गया ठीक है अब क्या कर रहा है एस एन निकालने के लिए एस एन इजकल टू क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एल होता है ठीक है अब एन का वैल्यू पता है एन 16 है बाई टू ए की वैल्यू पता है ए 5 है एल का वैल्यू पता है 50 है ठीक है तो ये हो जाएगा 8 8 इंटू 55 ठीक है इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 440 440 ठीक है तो एस एन का वैल्यू भी निकल गया ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्या है देखिए यहां पे भी गिवन ए दिया हुआ है ए 13 दिया हुआ है तो डी निकालना है और एस 13 निकालना है ठीक है देखिए यहां पे क्या होता है ए एन माइनस ए डिवाइड बाई डी इजकल टू एन माइनस वन तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते ए एन माइनस ए डिवाइड बाई एन माइनस वन इजकल टू डी ठीक है डी इजकल टू क्या होता है कॉमन डिफरेंस नहीं दिया तो डी इजकल टू ये होता है ठीक है तो ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 35 ठीक है ए दिया हुआ क्योंकि ए एन मतलब ए 13 ठीक है ए दिया हुआ है ए क्या है 7 ठीक है एन एन क्या है 13 है माइनस वन इजकल टू डी होता है ठीक है 35 में से 7 गया 28 ठीक है और ये हो जाएगा 12 ठीक है इजकल टू डी हो जाएगा अब इसको ब्रेक कर लेते हैं ब्रेक कर लेते हैं तो 4 से कटेगा 7 6 28 4 दिया 12 डी इजकल टू 7 बाय 3 डी निकालना था डी निकल गया अब कह रहा है एस 13 निकालने के लिए एस 13 ठीक है एस 13 इजकल टू क्या होता है एन बाय टू ए प्लस एल एन की क्या है वैल्यू 13 बाय टू ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एल एल का वैल्यू कितना है 35 ठीक है ये हो जाएगा 35 ये हो जाएगा 13 बाय टू मल्टीप्लाई 14 टू ठीक है इसको अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 21 ये हो जाएगा 30 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 273 आ जाएगा ठीक है तो 273 हो गया तो ये एस एन एस 13 का वैल्यू निकल गया 273 ठीक है समझ में आ गया आपको चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है 3 क्या कह रहा है गिवन दिया हुआ है ए 12 ठीक है ए एन दिया हुआ है 37 एन दिया हुआ है 12 डी दिया हुआ है 3 फाइंड ए पहले क्या करना है ए फाइंड करना है और फिर एस 12 फाइंड करना है ठीक है ठीक है तो ए एन इजकल टू ए प्लस
एन माइनस वन डी, ये होता है ए एन क्या हुआ था 37, ठीक है, माइनस ये पूरे टर्म को इधर ले आता है तो एन ये प्लस में किधर आ जाएगा माइनस एन माइनस वन, एन माइनस वन एन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 12 माइनस वन इंटू डी, डी दिया हुआ है 3, ठीक है, इक्वल टू ये होता है, ठीक है 37 माइनस ये हो जाएगा कितना 11 इंटू 3 इक्वल टू ए, ये हो जाएगा 37 माइनस 33 इक्वल टू ए, 37 में से 33 जाएगा तो 4 इक्वल टू ए, ये निकल गया, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। अब कह रहा है एस 12 निकालने के लिए, ठीक है, एस 12 इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है, एन के वैल्यू क्या है 12 बाई टू, ए के वैल्यू क्या है 4 प्लस एल के वैल्यू क्या है 37, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई कि 4 37 कितना हो जाएगा 41, ठीक है 246, ठीक है, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन 4 क्या है देखिए, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ए 3 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, तो ए 3 क्या होता है ए 3 इज इक्वल टू 15 है, तो ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d इज इक्वल टू 15, इक्वेशन 1। दूसरा दिया हुआ है एस 10 इज इक्वल टू 125 दिया हुआ है, तो एस 10 इज इक्वल टू क्या होता है एस 10 इज इक्वल टू एन बाई टू, एन बाई टू यहाँ एस एन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, ये फॉर्मूला पर पुट कर लेते हैं, तो एस 10 इज इक्वल टू क्या है एन बाई टू मतलब 10 बाई टू, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन, एन माइनस 10 माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 5 और ये इक्वल टू 125 तो है, ठीक है, 5 इंटू 2a प्लस 9d, 10 माइनस 1 इज 90, ठीक है, इक्वल टू 125, ये 5 मल्टीप्लीकेशन में है इधर तो इस तरफ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 125 बाय 5, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तीन 25, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ठीक है, सॉल्व कर लिया हमने। अब इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, दोनों देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 2d है, 9d है, 1 ये a है 2a है, तो इसको ब्रेक करते हैं, पहले a में कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1, 1 है ना, इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और माइनस कर देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2a हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 2d है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4d हो जाएगा, ठीक है, 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा और माइनस क्या करेंगे 2 इक्वेशन 2, तो हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ठीक है, माइनस करना है माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया, 4d प्लस में है और 9d माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 5d, ठीक है, इक्वल टू 30 प्लस में है 25 माइनस में, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, तो डी इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस 1, ठीक है, निकल गया डी, निकल गया डी, निकालना था तो डी निकल गया, ठीक है, तो डी निकल गया तो ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए प्लस 2d इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है, ए प्लस 2d इक्वल टू 15, तो ए प्लस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 15, तो a माइनस ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू 15 प्लस 2 इक्वल टू
17, ठीक है। तो ए के वैल्यू भी पता चल गया आपको, तो अब क्या निकालना है, ए 10 निकालना है, ठीक है। तो ए 10 क्या वैल्यू हुआ, तो ए प्लस 9 डी होता है, ठीक है, एन माइनस 1 करके 9 डी लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है, 17 प्लस 9 डी, सॉरी, तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है, माइनस 1, ये हो जाएगा 17 माइनस 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। ए 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 5 देख लेते हैं। देखिए यहां 5 दिया हुआ है, डी 5 दिया हुआ है, एस 9 75 दिया हुआ है, निकालना क्या है, ए है और 9, ए 9 निकालना है, ठीक है। देखिए एस 9 दिया हुआ है, तो एस 9 लिख लेते हैं, एस 9 इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाय 2, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2, तो एन इज इक्वल टू, चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पे पहले मैं, तो एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो एस 9 दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू 9 बाय 2, टू ए निकालना है, तो 2 ए लिख दिया है, प्लस एन का वैल्यू क्या है, 9 माइनस 1 इंटू इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। एन 9 का वैल्यू पता है 75 इज इक्वल टू 9 बाय 2, 2 ए प्लस ये है 8, 8 बचे 40, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 75 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर 9 इंटू 2 ए बाई 2 प्लस 40 बाई 9 बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 40 से 20 हो गया, ठीक है, तो हो जाएगा 75 बाय इज इक्वल टू हो जाएगा 9 ए, ठीक है, प्लस 20 इंटू 9 180 हो जाएगा, तो 9 ए इज इक्वल टू 75 प्लस में, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 105, 105, ठीक है। तो 9 ए के वैल्यू क्या है, 105, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 105 बाय 9, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप 3 से काट लेते, 3 3 से ये भी कट जाएगा, 3 3 जा 9 बचा 1, 3 5 जा 15, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 35 बाय 3, ठीक है। जब ए की वैल्यू पता चल गया और डी की वैल्यू पता है, तो ए 9 निकाल लेते हैं, ए ए 9 इज इक्वल टू ए प्लस 80, ठीक है, ए की वैल्यू पता है माइनस 35 बाय 3, ठीक है, प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितना पता है, डी 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 की वैल्यू 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 बचे 40, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 ये हो जाएगा माइनस 3 35, और ये हो जाएगा प्लस 8 बचे 40, 40 दिया 4 दिया 12 120, ठीक है, और यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, 85 बाय 3 हो गया, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, 6 नंबर क्या कह रहा है, ए दिया हुआ है, इसमें ए दिया हुआ है 2, डी दिया हुआ है 8, एस एन दिया हुआ है 90, तो ए एन निकालना है और एन निकालना है, ठीक है। तो एस एन दिया हुआ है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, एस एन की वैल्यू है 90, एन बाई 2, 2 ए ए की वैल्यू है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी डी की वैल्यू 8, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 4 n इंटू 4 प्लस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 n माइनस 8, इसको सॉल्व करेंगे 180 इसका टू ना n इंटू, ये हो जाएगा 8 n माइनस 4, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 180 इजकल टू 8 n स्क्वायर माइनस 4 n, इसको इस तरफ ले आते हैं तो 8 n स्क्वायर माइनस 4 n माइनस 180 इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4 ac बाय 2a, हो जाएगा 4 n स्क्वायर माइनस 2 n माइनस इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ पे a क्या है, a क्या है इस वाले इक्वेशन में, a क्या है 4 है, b क्या है माइनस 2 है, और c क्या है माइनस 90 है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे पुट कर देते हैं, तो माइनस b क्या है, माइनस b माइनस हो गया b, b क्या है माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, ठीक है प्लस माइनस रूट ओवर, ठीक है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ठीक है माइनस 4 ए सी, ए और सी 4, तो ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू 4 इंटू 90, ठीक है माइनस में था मैंने पहले प्लस लिख दिया, डिवाइड बाय, डिवाइड क्या है 2 इंटू 8, 2 इंटू 4, ठीक है ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट ओवर, इसको कैलकुलेशन करेंगे 4 प्लस 16 नमा 44 144, ठीक है और 0 है 0, ठीक है 1440 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 8, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट ओवर, ये हो जाएगा 1444 डिवाइड बाय 8, ठीक है। अब 1444 का जो वैल्यू होता है अगर, तो ये 38 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 38 डिवाइड बाय 8। अब इसको x n का वैल्यू निकाल लेते हैं, n का वैल्यू निकाल लेते हैं, n का वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 38 बाय 8 इक्वल टू, ये हो जाएगा 40, 40 बाय 8 8 पांच 40 5, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा n इक्वल टू 2 माइनस 38 बाय 8 ये हो जाएगा 36 माइनस में और ये 8, तो माइनस में कभी भी निगेटिव वैल्यू हम n का होता नहीं है क्योंकि n का वैल्यू हर समय पॉजिटिव होता है, तो n को हम निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो माइनस 36 बाई 8 ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा n, n का वैल्यू क्या होगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ n का वैल्यू 5 निकाल लिया मैंने, ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है a n का वैल्यू निकालना है, a n n का वैल्यू क्या है 5 है, n का वैल्यू क्या है 5 निकल चुका है, तो a प्लस 4d लिख सकते डायरेक्ट, तो a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू 2 है, ठीक है प्लस 4 इंटू d की वैल्यू पता है 8, तो हो जाएगा 2 प्लस 8 चौक 32, ये हो जाएगा 34, ठीक है a n की वैल्यू हो गया 34, ठीक है समझ में आ गया आपको, चलिए समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। चलिए यहां पे देख लेते हैं क्वेश्चन 7 क्या कर रहे हैं, a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, sn दिया हुआ है और n और d का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो an पता है, an इज इक्वल टू 62, a इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 210, ठीक है। sn sn इज इक्वल टू क्या होता है,
एन बाई टू, ठीक है, और ए प्लस एल, एल मतलब ए एन कह सकते हैं, ठीक है। तो एस एन का वैल्यू क्या है, टू बाई टेन, टू टेन 210 इजकल टू एन बाय टू। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है 8, ए की वैल्यू 8 है, ठीक, प्लस ए एन की वैल्यू पता है 62 है, ठीक है, 210 ठीक मल्टीप्लाई बाय टू, और डायरेक्ट हम निकल लेते हैं डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 62 प्लस 8, ये हो जाएगा 70 इजकल टू एन, ठीक है। अब देखिए ये जीरो से जीरो कट गया, 21, ठीक है, 3 × 6 एन इजकल टू 6, ठीक है, एन की वैल्यू पता चल गया आपको, एन निकल गया। अब निकालना क्या है, डी निकालना है, डी निकालना है, तो ए सिक्स, ए सिक्स इजकल टू ए प्लस 5d होगा, डी निकालना है आपको, डी पता नहीं है, तो ए सिक्स की वैल्यू कितना है, 62, ठीक है, और ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू कितना है 8 प्लस 5d, ठीक है, ये इस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d, 54, ठीक है, 54 इक्वल टू 5d, तो d इक्वल टू 54/5, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है 4, ठीक है, d इक्वल टू दिया हुआ है 2, sn दिया हुआ है माइनस 14, तो निकालना क्या है n, ठीक है, और a निकालना है, ठीक है, दोनों निकालने हैं। चलिए वन बाय वन करते हैं, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन होता है इंटू डी होता है, तो ए एन इजकल टू 4 दिया हुआ है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितना होता है, डी दिया हुआ है 2, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इजकल टू ए प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 4 प्लस 2 माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस में, 4 प्लस 2 इजकल टू ए प्लस 2n, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इजकल टू ए प्लस 2n, ठीक है, या a के वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो a इजकल टू हो जाएगा 6 माइनस 2n, ठीक है, 1 कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा है दिया हुआ है sn इजकल टू माइनस 14, तो sn इजकल टू क्या होता है, n बाय टू ए प्लस एल, मतलब ए एन कर लो, ए एन इजकल टू माइनस 14, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो n n बाय टू ए ए ए हो गया प्लस n, ए एन का वैल्यू पता है, ए एन का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है, इजकल टू माइनस 14। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, n इंटू ए प्लस 4 इजकल टू माइनस 28, क्योंकि 2 इधर चला जाएगा तो 28 हो जाएगा, ठीक है, तो n n को रहने देते हैं, a को हम कन्वर्ट कर देते हैं, a इजकल टू 6 माइनस 2n कर देते हैं, a की वैल्यू पता है हमें 6 माइनस 2n, ठीक है, प्लस 4 इजकल टू माइनस 28, ठीक है, एन इंटू इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2n प्लस 10, ठीक है, इजकल टू माइनस 28, इसको अगर करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस में प्लस 10n माइनस प्लस हो जाएगा 28 इजकल टू 0, इसको इस तरफ ले आए, ठीक है। देखिए 2 से ए भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ए भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ए भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस एन स्क्वायर प्लस 10, ये हो जाएगा 5 एन
ठीक है, और ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस को वन लेके भेज दो तो आसानी होगा सॉल्व करना, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो n यहां से कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 7, ठीक है, प्लस कॉमन लिया 2, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 कॉमन ले लिया, n माइनस 7 कॉमन ले लिया, तो n प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर लेके चलते तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा, तो n इज इक्वल टू 7 होगा, और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो n इज इक्वल टू माइनस 2 होगा, और n की वैल्यू कभी निगेटिव में होता नहीं है, तो हमें पॉजिटिव n इज इक्वल टू 7 लेके चलना होगा। ठीक है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 हो गया। अब चलिए a की वैल्यू निकालते हैं, a इज इक्वल टू क्या कह रहा है, 6 माइनस 2n होता है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 7, ये हो जाएगा 6 माइनस 14, ये हो जाएगा 8 माइनस 8, ठीक है, दिया हुआ a, दिया हुआ a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192, d का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो s n इज इक्वल टू n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो s n का वैल्यू दिया हुआ 192 इज इक्वल टू n का वैल्यू दिया हुआ 8 बाय 2, 2 इंटू a का वैल्यू दिया हुआ 3 प्लस n, n का वैल्यू क्या होगा 8 माइनस 1 इंटू डी 192 इज इक्वल टू 4 इंटू ये 2 3 जा 6 प्लस 8 में से 1 7 7 डी 192 इज इक्वल टू 24 सच्चक 28 डी। ठीक है, 28 डी इज इक्वल टू 192 माइनस 24, 28 डी इज इक्वल टू, देखिए 12 2 में से 4 जाए नहीं जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है, ये बचा 8, 8 में से 2 गया 6 और ये होगा 1। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू 168 बाय 28। ठीक है, 2 से काट लीजिए इसको, टू इसका ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 84, फिर 2 से कटेगा 7, ये हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा 47, 42। तो डी के वैल्यू पता चल गया, डी इज इक्वल टू 6। ठीक है, डी के वैल्यू पता चल गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टेंथ नंबर देख लेते हैं। टेंथ नंबर दिया हुआ है एल इज इक्वल टू 28 दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू 144 दिया हुआ है, और एन इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है, ए ए इज इक्वल टू व्हाट, तो एस एन एस इज इक्वल टू होता है एन बाई 2 ए प्लस एल, एस का वैल्यू दिया 144 दिया हुआ है, ठीक है, एन का वैल्यू 9 बाई 2 ए प्लस एल का वैल्यू दिया है 28, इसको इस तरफ भेज दो तो 144 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू ए प्लस 28, ये 16 नमा 44 है, 144 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस 28, तो ए इज इक्वल टू 32 माइनस 28, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू पता चल गया आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें।